ये ना शेर के पांव का पंजा है, अच्छे से पकाते हैं। बहुत तगड़ा व्यू दिख रहा है। आ गया अपना चिकन, तो अब इससे बनाएंगे हम चाय टेंट के ऊपर से पूरा। जिस जंगल हम आ जा रखे, तो यहाँ पर आज हमारा सोलो कैंप होने वाला है। तो मैंने दो लालटेन भी टांग रखी, तो ये सोलर लालटेन है, रात के लिए व्यवस्था कर रखी है लाइट की। अब हम लोकेशन पे पहुँच गए तो उस टाइम तक ये पूरा चार्ज हो जाएगा, जैसे कि पूरी रात की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये काफ़ी घना जंगल है और सुनसान जंगल है, तो यहाँ पर आज हम सोलो कैंप करने वाले हैं। ब्लॉग की शुरुआत गाइज मैंने घर से करानी, तो ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है योगी रावत और आप देख रहे हैं द यूके 11 राइडर योगी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो ये एक सुनसान जगह है जहाँ पे मैं अब टेंट पिच करने के लिए एक बढ़िया सा लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। तो गाइज अब थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमें जंगली सुअर और हिरन के पाँव के निशान दिख गए। भाई अगर शेर सूर मिल गया ना, फिर तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। टेंट पिच करने के लिए हमें कोई अच्छा सा लोकेशन नहीं मिला जहाँ पर कि हम टेंट पिच कर पाए। तो यहाँ पर हवा भी तेज़ चल रही है, तो टेंट पिच करने के लिए ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ से कि टेंट पर हवा वगैरह का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। वो लोकेशन हम ढूँढ रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलता है। ये चेक करो भाई, ये ना शेर के पाँव का पंजा है। ये जो मैं सही से दिखाता हूँ, ये पूरा शेर के पाँव का पंजा है भाई यहाँ पे। तो हमारा पाँव भी यहाँ देखो पूरा डूब रहा है, तो चलते हैं भाई यहाँ से आगे। जूते के अंदर ना पूरा भाई बर्फ घुस गया, ये देखो भाई पूरा डूब रहा है पाँव। और हमारे के यहाँ शॉर्ट्स में भाई ठंड से जो फट रही है ना भाई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितनी हाइट पर रखोगे अभी, कितनी हाइट पे। क्योंकि भाई आजकल मार्च का महीना है, मार्च के महीने में कहीं भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ बर्फ़ देखने को मिल रहा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कितनी हाइट पर ये जगह होगी। तो चलते हैं फिर आगे, फिर मिलते हैं लोकेशन पे जहाँ पर हमने टेंट को पिच करना है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। ये हमारा 2% टेंट। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं भाई, मुझे तो पता भी नहीं है इसके अंदर क्या क्या रहता है, लेकिन मुझे ये मिला है तो इसको देख कर मैं पूरा टेंट को सही से लगा लूँगा। तो करते हैं अब टेंट की अनबॉक्सिंग और फिर टेंट को पिच करते हैं अच्छे से। ओ गाइज फाइनली अपना टेंट तो लग गया, तो यहीं पर हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे आग वूग जला रहे हैं, तो लकड़ी तो हम लेकर आ गए थे नीचे से, तो यहाँ पर हमने चूल्हा लगा दिया। भाई इसको काटना भाई बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है कच्ची लकड़ी है भाई ये, हार्ड तो रहते हैं, कट नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको काटना, और ऊपर से ये ज़्यादा लग भी नहीं रहा है। तो अब लगा लो तो इसको पाँव से, ओह माय गॉड, तो ये टूट गया, तो आग वग जलाने का काम आएगा। फाइनली गाइस आग अपनी जल गई यहाँ पे, तो ये सैनिटाइज़र भाई किसी काम का नहीं है भाई। तो अभी लास्ट में पन्नी डाल के, तो पन्नी से हमने आग जलाया यहाँ पे, और इसके बाद बनाते हैं मस्त सा चाय। फाइनली गाइस चाय बनाने के लिए हमने रख दिया, इतना ज़्यादा बर्फ़ है ना यहाँ पे, तो अभी हम बर्फ़ पिघला रहे हैं, तो बर्फ़ पिघला के फिर यहाँ पे चाय बनेगी बर्फ़ पिघलाने के बाद। ये चेक करो भाई, अभी हमने बर्फ़ रखा है भाई यहाँ पे चूल्हे में, तो बर्फ़ पिघल जाएगा फिर इसका चाय बनाते हैं। फाइनली गाइज अभी मैं आ गया हूँ टेंट के अंदर, और लाइट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे सामानों को सेट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे भाई पूरा सामान सेट कर दिया बढ़िया से, तो स्लीपिंग बैग सारे अंदर बिछा दिए मैंने। तो गाइस ये चेक करो, फाइनली चाय भी रेडी हो गई है, तो उबलने ही वाला है चाय। बढ़िया सा चाय बना रखा भाई ने अभी। भाई कितनी मेहनत लगी चाय बनाने में? एक आधा घंटा लगा भाई, आधा घंटा लग गया चाय बनाने में भाई। बहुत मजा आने वाला है, चुका चाय पीने में जो मजा आता है ना भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आता है। तो चाय फाइनली रेडी हो ही गया, तो गिलास में कांच वाले गिलास लेकर आया था भाई। कांच वाले गिलास में चाय पीने का मजा ही अलग होता है भाई पहाड़ों में, तो इसलिए मैं कांच वाले गिलास लेकर आया था चाय पीने के लिए। बहुत ज़्यादा मस्त चाय बनी है भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाली चाय बनी है। और फ्लेवर क्या डाला है भाई, फ्लेवर बहुत मस्त फ्लेवर आ रहा है। इसको करते हैं जल्दी से फिनिश, फिर रेस्ट करते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 7, तो इधर देखो भाई क्या तगड़ा व्यू लग रहा है अभी। इधर से सनसेट हो रहा है, तो सनसेट की वजह से जो व्यू दिख रहा है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का दिख रहा भाई। बहुत तगड़ा व्यू दिख रहा है और आप इंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को। एंड इधर पूरा बुरा बुरा वाला सीन, तो इधर हम अभी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने तो गए थे, तो कल सुबह फिर ऊपर तक जाएंगे हम फ़ोटोज़ वगैरह खींचने। तो अभी हम अब डिनर की तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं डिनर में हम चिकन लेकर आए हम, तो रोस्टेड वाला चिकन बनाएंगे हम। ये इतना बढ़िया व्यू है ना, मुझे पता नहीं था भाई आज तक, और फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और इधर से व्यू सनसेट जो हो रहा ना, इतना तगड़ा लग रहा ना भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। और चारों साइड से पूरा खुला है भाई ये ग्राउंड, ये चेक कर सकते हैं आप, चारों साइड से पूरा खुला है। और यहाँ पर हमारा टेंट लगा है, तो यहीं पर हम आज पूरी रात रहने वाले हैं भाई। तो यहाँ पर हमने आग उग जलाई है, तो इसके बाद चिकन चुकन बनाते हैं यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो ही जाएगा, तो फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर टेंट के अंदर चले जाएंगे भाई। ठंडा इतना भयंकर हो रहा है यहाँ पे, अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, और गर्मी के टाइम पे भी यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में, तो आप सोच सकते हैं भाई कितनी हाइट पर होंगे हम अभी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इधर भाई बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं है भाई, तो जल्दी से डिनर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मसाला वगैरह बना के फिर चिकन को रेडी करते हैं। तो फाइनली गाइस ये आ गया अपना चिकन, तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं, इस चिकन को, तो इसको हम रोस्टेड बनाएंगे पूरा। तो अभी हम मसाला तैयार कर रहे हैं, जो कि इसके बाहर से लगाएंगे हम। तो ये आज का डिनर, तो डिनर यही होगा आज का भाई, बहुत तगड़ा डिनर लेकर आए हम। ब्रेकफास्ट हमने करा नहीं था, तो लंच में हमने दो बारी मैगी बना दी है यहाँ पर, और एक बारी चाय, और डिनर थोड़ा तगड़ा सा होना ही चाहिए भाई। तो व्यू इतना बढ़िया है ना भाई, ये आप इन्जॉय कर सकते हैं भाई। और ऐसी जगह पे भाई पार्टी वगैरह करना, चिकन वगैरह बनाना, और ये सारी चीज़ें करने में जो मज़ा आता है ना भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है भाई। गाइस अब हम मसाला रेडी कर रहे हैं, तो मसाला तो हमने इसमें पूरा मिक्स कर दिया, तो अब थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं हम इसमें। तो गाइस इसके बाद इसमें मिक्स करते हैं चिकन मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पड़ा हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ गया हमारा, और अब मिलाते हैं इसमें चिकन मसाला भाई। तो इसके बाद जो टेस्ट आएगा इसमें, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आएगा भाई। अभी तो क्या बताना, जब खाएंगे उस टाइम पे बताएंगे। पीछे का व्यू इतना प्यारा लग रहा है ना भाई, तो सोच रहा 2-4 दिन का कैंपिंग यहीं कर लेता। अभी हमारा ये चिकन मसाला भी पड़ गया इसमें, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो स्टिक लिया हमने चिकन को पकाने के लिए अच्छे से, तो गाइज अभी हमने चिकन मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो घर का मसाला होता ना, तो ऑयल में मिक्स करके तो चिकन पे लगाने के लिए रेडी कर दिया। तो इसके बाद इसको चिकन के बाहर से लगाते हैं और फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। तो गाइज अब ये मसाला जो है, तो मैं इस चिकन पे अच्छे से लगाने वाला हूँ, और उसके बाद इसको पकाएंगे, तो इसके बाहर से लगा देते हैं पूरे चिकन पे, तो बढ़िया से, जिससे कि भाई बहुत मस्त टेस्ट आएगा इस पे। तो गाइस ये चिकन है, अब इसको पकाने के लिए मैं इसमें ये जो स्टिक है इसको अंदर घुसेड़ देता हूँ, जिससे कि पकाने के लिए सही हो जाएगा। मैंने दोनों स्टिक इसमें फिल कर दिया है, तो इसके बाद यहाँ पे आग जलाते हैं और इसको अच्छे से पकाते हैं। चिकन को हमने कुछ इस तरह से रखा है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से पकाते हैं। थोड़ा आग और तेज़ करना पड़ेगा हमें, जिससे कि अच्छे से पक जाए। तो मसाला तो पूरा अच्छे से लग रखा है भाई इसमें, तो आग जल जाएगी तो अच्छे से पक जाएगा। अभी अंधेरा भी हो गया है लगभग, लेकिन पीछे जो ये सनसेट दिख रहा है उसकी वजह से पीछे तो लाइट लाइट दिख रहा है। आग भी जली गई है अच्छे से,
तो चिकन को अच्छे से पकाते हैं। तो अभी के लिए गाइस चिकन को पका रहा हूँ मैं, और आग बहुत तेज़ जल रही है अभी। तो चिकन एक साइड से तो पक गया, तो अभी दोनों स्टिक पे रखा है हमने, तो घुमाने के लिए सही हो रहा दोनों स्टिक डाल के। तो इसके बाद जल्दी से इसको पकाते हैं, फिर पकाने के बाद टेस्ट करके बताता हूँ भाई कैसा हो रहा। फाइनली गाइस चिकन हो गया भाई रेडी, और इसको डालता हूँ थाली में। भाई ये बर्फ लेना है, बर्फ को पिघला के यहाँ पे पानी वगैरह बनाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर रखा हमने बर्फ, पानी पीने के लिए भाई कुछ भी नहीं हमारे पास बर्फ़ के अलावा, तो बर्फ़ को पिघला के भाई पानी बना दे। जैसा मैन वर्सेस वाइल्ड में होता ना भाई, वैसे ही सर्वाइव कर रहा हूँ अभी जंगलों में। लेकिन हमारे पास चिकन है भाई जो उसमें नहीं होता है, तो उसमें कीड़ा मकोड़े खाते हैं, तो हम चिकन खाएंगे। टेंट के अंदर चलते हैं, चिकन को हम लेकर आ गए टेंट के अंदर, और अब इसको टेस्ट करने वाला हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ। टूट तो नहीं रहा, बहुत टेस्टी हो रहा भाई, दो बंदे हम, मज़ा आ गया भाई खाने में। मुझे चाहिए था इसका लेग पीस जो कि मैं अब तोड़ने वाला हूँ। यह लेग पीस गाइस, मज़ा आ गया भाई। टेस्ट कैसा हो रहा है? बस टेस्ट बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइस जल्दी से इसको फिनिश कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको। इतना तो हमने खा दिया, और इससे ज़्यादा भाई खाया नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा इससे ज़्यादा। तो इसको अब हम जानवरों के लिए छोड़ देंगे जंगल में, जंगलों में फेंक देंगे इसको। तो ये देखो भाई कैसे खा रहा, तो भाई इससे ज़्यादा मैं भाई मेरे से तो खाया नहीं जा रहा, मैंने तो छोड़ दिया। तो भाई भी जितना खा पाएगा खाएगा, नहीं तो जंगली जानवरों के लिए छोड़ देंगे हम यहीं। इतना चिकन हम इधर जंगली जानवरों के लिए छोड़ के फेंक दे रहे भाई। फाइनली गाइस मैंने टेंट लॉक तो कर दिया है, तो अब सोने की तैयारी है, और मिलते हैं सीधे आपको सुबह।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो ये देखो टेंट के ऊपर से पूरा बर्फ भाई, पूरा स्नोफॉल और का भाई यहाँ कल रात को। एंड कल रात को भाई यहाँ पे नींद तो आई नहीं, क्योंकि हमने चिकन वगैरह फेंका था इधर, तो शायद से इधर मुझे लगा कल रात को शेर आया था, तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। और भाई बहुत सारे जानवर आए थे भाई रात को, और सो ही नहीं पाया भयंकर रात को। अभी नींद आ रही थी 6 बजे के बाद, जब थोड़ा आवाज़ वगैरह कम हुई और ये स्नोफॉल वगैरह कम हुआ, उसके बाद नींद आ रही थी बढ़िया सी। टेंट के ऊपर से पूरा भाई पूरा बर्फ बर्फ हो रहा। तो गाइस जो चिकन था ना कल रात को हमने यहाँ पर रखा था, तो यहाँ से पूरा साफ हो रखा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चिकन जिस थैले में हमने फेंका था वो थैला ही नहीं दिख रहा है। इतना मस्त व्यू लग रहा था भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। सोचा नहीं था कि यहाँ पे हम आएंगे और स्नोफॉल होगा। लोग तो हमें बोल रहे थे भाई तुम क्यों जा रहे हो, आजकल तो बर्फ होगा नहीं वहाँ, लेकिन भाई हम आए और कल रात को यहाँ पे स्नोफॉल हो गया। जब शेर की आवाज़ आई तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फट गई थी हमारी, नींद तो आई नहीं पूरी रात उसके बाद। तो यहाँ पर ठंड इतनी भयंकर लग रही है भाई, टेम्परेचर वैसे कल माइनस में था, तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते भाई कितना टेम्परेचर कितना ज़्यादा गिर गया होगा। एंड ये पीछे देखो है पहाड़ों में पूरा बर्फ बर्फ दिख रहा है अभी। तो कल तो ये मौसम साफ नहीं हो रखा था, तो फॉग फॉग सा बन रखा था, अभी एकदम बिल्कुल क्लियर मौसम दिख रहा है। और कल रात को भाई हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी पहले तो, और बाद में हवा रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि बारिश आ रही होगी, मुझे पता नहीं था कि स्नोफॉल होगा, तो मुझे लगा था बारिश आ रही होगी। लेकिन अभी उठ के देखा तो भाई पूरा बर्फ ही बर्फ दिख रहा है, तो दिल खुश हो गया भाई। हम सोलो कैंपिंग करना आए थे और बर्फ़ गिर गई, तो अभी हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आग जल गई तो फिर बनाते हैं मस्त चाय, और ऐसी जगह चाय पीने का मज़ा तो भाई जो ट्रैवल करता होगा वही समझ सकता है। एंड फिलहाल आप व्यू एंजॉय करो भाई, ये सीन चेक करो, इतना बढ़िया व्यू लग रहा ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। तो इधर तो धूप भी आ गई है थोड़ी देर बाद, तो धूप आने के बाद और भी तगड़ा व्यू लगने वाला है। धूप आने के बाद जो व्यू दिखाऊंगा ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का लगेगा। तो वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा वैसे भाई, ऐसी जगह से जाने का मन तो करता नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा ही, फिर नेक्स्ट जगह भी देखना जहाँ हम कैंपिंग करेंगे। तो गाइज ये चेक करो, और अब बर्फ़ को पिघला रहा हूँ, अब इससे बनाएंगे हम चाय। तो जल ये भाई बढ़िया सी आग, और बर्फ़ को रख दिया पिघलाने, तो इसके बाद बनने वाला भाई यहाँ पे बढ़िया सी चाय। बर्फ़ नहीं रहता ना भाई, तो हमारे तो एल लग जाते भाई। इस ग्राउंड में इधर बर्फ़ था निकल, तो कल रात को स्नोफॉल हो गया, और कल हमने इधर वाले बर्फ़ से काम चलाया। तो गाय चाय पत्ती हमारा ख़त्म हो गया, तो ये हम जुगाड़ कर रहे, चीनी को जला के हम चाय पत्ती बना रहे, बिल्कुल चाय पत्ती जैसा फ्लेवर आएगा। तो गाइस ये चेक करो, पूरा भाई चाय पत्ती वाला फ्लेवर आ गया। तो अब डाल लें इसमें दूध, और इसको थोड़ा देर अच्छे से उबालते हैं, तो इसके बाद टेंट को फोल्ड भी करना है, तो ये बर्फ़ जो है पिघल जाएगा धीरे धीरे। तो ये बर्फ़ पिघलने के बाद फिर हम टेंट को भी फोल्ड कर देंगे। चाय अपनी बन गई है, और टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा हो रहा है। चाय पत्ती वाला फ्लेवर आ रहा नहीं आ रहा, टेस्ट तो सही आ रहा, और चाय पत्ती का फ्लेवर वैसे तो आ नहीं रहा है, लेकिन कलर से लग रहा है कि चाय पत्ती पड़ी होगी, लेकिन अच्छा हो रहा, टेस्टी हो रहा है। ऊपर से ठंड इतनी है, ठंड में तो भाई गर्म पानी मिल जाए वही बहुत होता है। जल्दी से इसको फिनिश करते हैं गाइस। अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया, तो अब टेंट को हम फोल्ड कर देते हैं। वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा भाई, इस जगह को देख के छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना है, फिर दूसरी जगह भी हम कैंपिंग करेंगे। तो गाइस
टेंट टूट अपना फोल्ड हो गया है और सामान हमने यहाँ पर रखा है। ये हमारा फर्स्ट सोलो कैंप है, तो फर्स्ट सोलो कैंप सक्सेसफुल रहा। तो इसके बाद सामान सामून उठाते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं यहाँ से।